राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सभी ने अपने आसपास महालक्ष्मी व्रत को करते हुए बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, बहुत सारे चमत्कार हमारे निजी जीवन में भी घटित हुए होंगे। उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार जो कि व्रत कथा में दिया हुआ है, उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखा जाए तो यह पूरा संसार लक्ष्मी जी के चारों ओर नृत्य कर रहा है। हर छोटा बड़ा लक्ष्मी को पाकर धनवान बनने के चक्कर में है। हर प्राणी धनवान बनने के सपने देखता रहता है। ऐसा ही एक प्राणी मांगेराम था, जो छोटा सा व्यापारी था। थोड़ा बहुत कोई अनाज या तेल खरीद कर स्टॉक कर लेता और जब उसका भाव बढ़ जाता तो उसे बेच देता। उससे उसे जो भी लाभ होता उसी में अपना जीवन व्यतीत करता रहता। एक बार तो हर काम में लाभ नहीं होता। एक बार मांगेराम ने कुछ ऐसा सामान खरीद कर गोदाम में भर लिया जिसके विषय में उसे पूर्ण विश्वास था कि इस साल के बजट में उन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और वह इन्हें बेचकर खूब धन कमा लेगा। फिर वह सेठ मांगेराम तो बन ही जाएगा। परंतु उसने जो सोचा था, सारे काम उसके विपरीत हो गए। उन चीजों का भाव बढ़ने के बजाय कम हो गया, जिसके कारण उसे इतना घाटा हुआ कि मांगेराम का सारा धन चला गया। ऐसे समय में इंसान को क्या सूझता, उसके जीवन में न छटने वाले अंधेरे छा गए। वह उदास और निराश घर पर पड़ा रहने लगा। सारा धंधा चौपट हो गया। चिंता के मारे मांगेराम अंदर ही अंदर सूखने लगा। उसकी पत्नी जब अपने पति की यह हालत देखती तो उसका दिल भी डूबने लगता। एक ओर तो घर में खाने का कुछ था ही नहीं, दूसरी ओर कारोबार भी बंद हो गया, तीसरा उसके पति ने खटिया पकड़ ली। ऐसे में वह क्या करे, कहाँ जाए? इन्हीं चिंताओं में डूबी रामदेवी रात भर सो न सकती। नींद आती ही कहाँ थी। वह रोज सुबह उठकर विष्णु भगवान जी के मंदिर जाती। वहां पर माँ लक्ष्मी और उनके पति भगवान विष्णु की जोड़ी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। हे लक्ष्मीनाथ, हे भगवान विष्णु, मुझ पर कृपा करो। हमारा उजड़ा घर आप ही बचा सकते हो। मेरे पति ने खाना पीना छोड़ दिया है। इस हालत में वे जीवित कैसे रहेंगे? प्रभु, आप ही लक्ष्मी जी से कहो कि हम दुखियों पर थोड़ी कृपा कर दें, नहीं तो हम पति पत्नी दोनों ही मर जाएंगे। आपका भक्त दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर लोगे? प्रभु, आप ही बताओ, यदि आपको दुख होगा तो लक्ष्मी जी उसे सहन कर लेंगी? प्रभु, यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी उसी समय अपनी जान दे दूंगी। इस हत्या का कारण लक्ष्मी तो होंगी जो हमसे रूठ गई है। यह कहते हुए राम देवी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में सिर रख कर फुट फुट कर रोने लगी। उसी समय माँ लक्ष्मी की आवाज आई, राम देवी जाओ अपने घर जाकर मेरे 11 व्रत रखो, परंतु यह ध्यान रखना कि यह व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक रखे जाएं, फिर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। राम देवी माँ लक्ष्मी की जय जयकार करती हुई मंदिर से बाहर निकली। उसने अपने पति को जाकर सारी कहानी सुनाई। अपनी पत्नी की बात पर पूर्ण विश्वास करके उसने अपना नया जीवन आरंभ करने की योजना बना ली। अब तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया। उसने जैसे तैसे कुछ मित्रों से मिलकर उनकी सहायता से नया माल सस्ते रेट पर खरीद लिया। उधर उसकी पत्नी रामदेवी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखकर शाम को उनकी कथा करके प्रसाद बांटती। 11वें व्रत वह उसने 11 कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाकर सच्चे मन से अपने पति के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी की उपासना की। साथ ही 51 पृष्ठ के श्री वैभव लक्ष्मी माँ व्रत की भक्तों को भी बांटी। दूसरे ही दिन जैसे मांगेराम अपनी दुकान पर गया तो उसका सारा माल दोगुने रेट पर बिक गया, जिससे मांगेराम को बहुत लाभ हुआ। उसी लाभ से उसने कई प्रकार की चीजें खरीद कर अंदर भर ली। देखते ही देखते उसे हर काम में लाभ होने लगा। उसके सारे पुराने घाटे नफे में बदल गए। कुछ ही दिनों में कंगला हुआ मांगेराम सेठ मांगेराम बन गया। उसने अपने घर में ही माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बना लिया। सुबह शाम दोनों पति पत्नी उस मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करते। राम देवी माँ लक्ष्मी के 21 व्रत हर वर्ष लगने लगी। तो भक्तों, इसी प्रकार जो भी मनोकामना आपके मन में है वह मनोकामना धारण कीजिए और व्रत का प्रण लेकर अपने जितने भी व्रत आपसे हो सके वो व्रत कीजिए, और उसके बाद आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन कीजिए। और मेरी ये पूर्ण आशा है कि जिस तरह से हमारी सभी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी ने पूरी की हैं, आप सभी की मनोकामनाएं भी माँ लक्ष्मी अवश्य पूरी करेंगी। धन्यवाद। राधे राधे।